गुरु अर्जन वेटों कुर्बानी, गुरु अर्जन वेटों कुर्बानी, गुरु अर्जन गुरपुरा मेरा गुरपुरा, गुरपुरा मेरा गुरपुरा, गुरपुरा गुरपुरा पेट्यो अडपागी, गुरपुरा पेट्यो अडपागी, गुरपुरा मने पया पर गासा, मने पया पर गासा, मने कोई न पहुँचण हारा दूजा, कोई न पहुँचण हारा दूजा, कोई न साहिब का परवासा अपने, साहिब का परवासा, साहिब का परवासा अपने, साहिब का परवासा, साहिब का साहिब का परवासा अपने, साहिब का परवासा, साहिब का जुको जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हजूर दी पावन पवित्र चरण शरण अंदर सुभाईमान साध संगत शहीदां दी सरताज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता दी संपादना करनखार धरती दे टुकड़े ते सचखंड श्री हरमंदर साहिब रब दा घर बनाउण वाले सारी मनुखता दा दर्द ते प्यार अपने हिरदे च लैण वाले धन गुरु अर्जन साहिब पिता जी जिन्हां दी 1606 30 मई नूं शहादत खुंदक है, वो सतगुरां दे गुरपुरब नूं लै के आप जी साहिबां दे पावन पवित्र दरबार विच आ जुड़े हो। सत्कारयोग भाई हरपेज सिंह जी के कीर्तनी जत्थे पासों रब्बी बाणी के कीर्तन सरवण कर रहे सां। आओ हुण धन गुरु अर्जन साहिब पिता जी के परोपकारां चों कुछ कु दे दीदार करिए। गुरु बख्शी फतेह दी सांझ पाओ। अदब नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब पिता महाराज जिन्हां ने 25 साल गुरता गति ते विराजमान हो के जगत दी झोली अकाल पुरख दियां लोक परलोक दियां दातां पाईयां ने। 25 सालां दे अंदर एक दिन भी वो नहीं आया जदों सतगुरां दे उपर दुनिया वल्लों किसी न किसी तरीके नाल वार ना कीता होवे, दुख देण दा यतन ना कीता होवे। दस्तार मिली ते पृथ्वी चंद विरोध करता है। पुत्र गुरु खरगोविंद पिता दा प्रकाश होया। पृथ्वी चंद ने हर हीला वरत्या उन्होंने खत्म करने लई। जे धन गुरु अर्जन साहब पिता महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना कर लगे सन तो पृथ्वी चंद ने कुछ भगतों को चुकया जाके कह लगे, सारे भगतों की बाणी दर्ज हो रही है, तुसी भी जाओ। मतलब जानते सन ये बाणी भगत आम ने जोड़े रब तक पहुँचे, उन्होंने बाणी दर्ज होनी है। उदों भी गुरु के प्यारिओ रज के विरोध खोया। चार भगत आए, आके कहन लगे, जी साड़ी भी बाणी दर्ज करो। सतगुरु कहन लगे, नहीं, इत्थे रब की बाणी दर्ज होएगी, किसी व्यक्ति की नहीं। आख्या जी वो भी तो व्यक्ति सन, उन्होंने शरीर की साढ़े वांगो साड़ी सोच उड़ारी बड़ी उच्ची है। सतगुरु जी कहन लगे, जिहड़े सोचां चों बाणी निकलदी वो बाणी नहीं, वो कविता हुंदी है। बाणी अकाल पुरख के घरों जदों आउंदी सोच चों नहीं, वो सीधे किसी के दिल विच आउंदी उतरदी है। अच्छा तुसीं इंज करो, थोड़े एक एक पंक्ति बोलो। भगत कान्हा जी आख्या, वो कहन लगा, मैं ओखी रे जाको वेद पुराण जस गावै खोज देखो मत कोई रे। कहन लगा, मैं ओही जे जिन्हों बड़े बड़े वड्डे ब्रह्मा विष्णु मखेश भी आके याद करते हैं। सतगुरु कहन लगे, तेरी बोली विचों मैं दी आवाज़ आ रही। इत्थे तां प्रवान उन्हां दी बाणी जिहड़े कहिंदे, कबीर तू तू करता तू खुआ मुझ मैं रखा न खो। जिन्हां दी जुबान ते तू ए मैं नहीं, दूसरे नूं क्या भगत पेलो जी तुसीं कुछ आखो। छज्जो जी तुसीं बोलो। छज्जो जी कहन लगा, कागज संधि पुत्री तऊ न तिरिया निखार। कहंदा औरत जात नूं बड़ी नफरत करदा सी, कहंदा कागज दी भी औरत बनी होवे उहनूं भी कदे आदमी तक्के ना, इतनी माड़ी जात है। सतगुरु कहन लगे, नहीं, इत्थे तां बाणी उहनां दी दर्ज है जिहड़े आखदे, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान। जिस औरत तो साडा जन्म खोया वो माड़ी किवें बन गई? जिन्हें माँ बन के पहला पालिया, कदे भैन बन के प्यार किया, कदे पत्नी बन के जीवन की तोर अगे तोरी, ये भी परवान नहीं खोएगा। तीसरे ने पूछया, तू दस वो अपनी जिंदगी तो दुखा नूं वेख के दुखी से। कहंदा असां नालों सही चंगे जो जमदियां आलूद पए, जिहड़े जमदियां मर जांदे वो ठीक ने, ना उन्हां नूं कलेश पवे ना दुख सहेड़ने पैण, इस लई ये जीवन च कोई लाभ नहीं। महाराज कहण लगे, खाद हो गए 84 लाख जोन तो बाद सब तो कीमती मनुखा जन्म है। जदों रब नूं मिलण दी वारी ते तूं उहनूं ही निंद रिहा है। इत्थे तां साडा हुक्म है, भई प्रापत मनुख दे खुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। रब नूं मिलन दी वारी है। चौथा नूं बोलिया, तू दस। वो कहंदा, चुप वेड़िया बोलन दी नहीं जा वेड़िया। कहंदा बंदे नूं चुप रहना चाहिदा है, जिन्ना बोलांगे दुनिया दे अंदर दुख ते कलेश ने। सतगुरु कहण लगे, नहीं, साडा हुक्म है, संत मिले कि सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रहिए, किथे बोलना तो किथे नहीं बोलना। साहब कहंदे, पता होना चाहिदा है, चुप नहीं। इत्थे तां सानू हुक्म है, बोल सो धर्मीड़िया मोन कत तारी राम। बोल नहीं, चारे परवान नहीं खोए, चारे धमकी दे के गए। वेखांगे गुरु अर्जन पिता महाराज तेनू धरती ते जिउंदा नहीं रहन देना। कान्हे ने दबका मारिया, लाहौर नहीं अपड़िया, रस्ते विच ही ओहदी मौत हो जाती है। सतसंगियो, थोड़ा जिहा अज जरा ध्यान करी जाना। अज जरूरी इतिहास के पन्नियां ते केंद्रित करना। प्रिथी चंद ने चुकया सुलही खां नूं, पैसे भरे मेरा हक दवाओ। गुरु अर्जन साहब पिता की महिमा दिनों दिन वाधदी तुरी जा रही है। मैनू को पुछदा नहीं, मैं वड्डा भरा खां। साध संगत, जदों प्रिथी चंद ने किसी तरीके सुलीखा हाकम नूं लियांदा, पहला पिंड लै गया, रोटी पानी खवा, बाहर आवे पट्ठे चढ़े सन इट्टां दे, घुमान लै गया। गुरु के प्यारिओ, जदों इधर खबरां मिलियां गुरु अर्जन पिता महाराज हुण तां फौजां चढ़ के आ रहीआं ने, कुछ करना चाहीदा है। सतगुरु जी कहण लगे, की करना चाहते हो? गरीब अनुवाद कोई मता पाओ, सिणिया घलो उन्हां नूं भी साडा कसूर कोई नहीं। महाराज कहिंदे नहीं करना। अच्छा इंज करो, दो बंदे भेजो। सतगुरु कहिंदे ऐसा नहीं करना। महाराज कुछ उपाओ करना चाहिए। प्रथमे मता किछ पत्री चलावो, द्वितीय मता दुई मानुक पहुँचावो, तृतीय मता किछ करो उपाया। साहब कहिंदे कुछ नहीं करना, मैं सब के छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। रब नू याद करो, वो आप सखाई खोएगा, तुहानू डरन की लोड़ नहीं। उही गल खोई, सुलीखा पट्ठा वेखण गया, घोड़ा तरबकिया, बलदे पट्ठे विच सुली घोड़े दे समेत जा डिगा। निकलिया उदों जदों भौर उड़ारी मार चुके सन। रस्ते च ही रह गया। फिर सुलभी खां नू चढ़ाया। जदों चढ़ के आ रहा सी, रस्ते च ਉਹਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀ, ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੱਛੋਂ ਹੀ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਚਾਹੁਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਖੇਡ ਰਚਾਈਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ जदों सच दे राह ते तुरना है तो किहड़ियां मुश्किलां आउणियां, अगवाई लै सकीए। प्यार भरिया माहौल होवे, किवें जगत दा भला करना है। पूरने पारे सन। सतसंगियो, कदे शक ना करिया करो। गुरु अर्जन साहब पिता जी ने क्यों ना तत्ती तवी ठारी। जे सुली खां रस्ते च रह सकदा है, सुलभी खां रस्ते च रह गया। चंदू पापी की पुकार रस्ते च क्यों ना रह गई, वह तवी तक क्यों लै गए? जहांगीर का हुक्म तत्ते पानी तक क्यों लै गया? सतगुरु जी चाहते उन्होंने उथे रोक सकते सन। सत संगियो, कहानी वड्डी खुंदी है। कई बार कुछ वीर भैन जिन्हां दे अंदर दुनियावी सोच वध रब्बी घट हुंदी है, वो कई बार बहुत वड्डी गल भी कह दिंदे ने। पर धन गुरु नानक साहब जी ने अपने उन्हां दे पुत्र ते आखे नहीं लगे, जगत नूं की लाणा। गुरु अंगद साहब दे पुत्र नहीं आखे लगे। गुरु अमरदास पिता दे पुत्र भी विरोध करते रहे। गुरु रामदास पिता दे पुत्र प्रिथी चंद मान दे वर्गे आखे नहीं लगे। इहदा दूजा पक्ष वेख्या करो। जदों स्टेज ते कोई फिल्म, कोई ड्रामा हुंदा है, ड्रामे जिहड़े रोल अदा करते ने, उह सचमुच नहीं हुंदे। वो किसी चीज़ का प्रगटावा करते होंगे ने। कोई माँ बनी, कोई प्यो बनया, कोई पुत, कोई मित्र, कोई दूसरे नूं सिणिया देना हुंदा है। 10 गुरु साहिबान ने, ये उन्हां दी वड्याई है, अपने ही बच्चों कोलों वो रोल अदा करवा लिया है। भई सच नूं प्यार करन वाले वो जदों इस जिंदगी जीवोगे ना, मत सोचा जे पूरे का पूरा परिवार एक पासे होएगा। नहीं, कहिंदे जदों कोई झूठ दे राह ते तुरदा है ते किहड़े किहड़े पाप कमा सकदा है। सतसंगियो, बाबा श्री चंद ने ओने नहीं कमाए, दातू जी ने लत मारी है। गुरु के प्यारिओ, प्रिथी चंद ने कितना विरोध किया। कल ते परसों रात के दीवाना विचार कर रहे सन ते हुण भी उही बेनती कर रहा उहदा पक्ष। साध संगत, इहदा कदे ना सोचिया करो उन्हां वास्ते की औखा है। वो खमाजू दी तलवार रोक सकते, बाबर दे अंदर नूं रोक सकते, अकबर नूं पंगत बिठा सकते ने, जहांगीर नूं क्यों नहीं चुप करा सकते? नहीं दसना है। सच की खातर आपा कुर्बान किवें करना है। मैं छोड़ा जा अगे खो के फिर पिछले इतिहास दे झाती मरवावांगा। आप जी नूं पता है दो गुरु साहबान साढ़े शहीद खुंदे ने, दसां चो गुरु अर्जन साहब पिता जी ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी। एक सतगुरु अमृतसर तो लाहौर जाके शहीद हुंदे, दूसरे आनंदपुर साहब तो दिल्ली जाके शहादत का जाम पींदे ने। पंज सिख ही गुरु अर्जन पातशाह दे नाल तुरे ने अमृतसर तो लाहौर, ते पंज ही श्री आनंदपुर साहब तो तुरे ने दिल्ली दे चांदनी चौंक तक। पर जदों गुरु अर्जन पिता महाराज जी की महिमा वाधती गई, आप जी ने बहुत सारी संगत आउंदी रही, जिहड़े नहीं आए दोहरा दियां। लोकां नूं इह ते पता है नामी पिता की शहादत का कारण तिलक ते जंजू है, हिंदू धर्म की राखी है, संत उभारन की राखी है, पर गुरु अर्जन साहब की शहादत क्यों होई? एको कारण हर रोज़ सिक्खी बड़ी छेती फैल रही सी, चारां कुंटां विच गुरसिक्खी की जय जयकार खो गए, वक्त की हुकूमत का तख्त डोलन लग पिया, लोग जाग पे ने, साडा हुक्म कौन मनेगा? तंग दिल कट्टर मुसलमान घबरा गए, इस्लाम नूं ना खतरा हो जावे। खतरा तो चौधरां नूं खुंदा है। जिवें किसी लीडर साडे दी कुर्सी वोटाउण जांदी होवे, कहणगे पंच नूं कुछ खो चलिया है, जदों कुर्सी मिल गई फिर पंच चंगा भला खुंदा है। इह एवें गल्लां हुंदियां ने केवल उन्हां दियां। उन्हां लोकां ने इक्को कारण सी सिक्खी जदों चार चफेरे फैलती जा रही सी, एकदम उन्हां लोकां ने सतगुरु गरीब नवाज पिता नूं खत्म करना चाहया। दो वड्डियां घटना सन जिन्हें संसार नूं मोह ही लिया। एक सी श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना, दूसरा सी सचखंड श्री हरमंदर साहब पन्ना। पहली बारी होया सी भाई साध संगत की मसीत विच तुसी अज तक वेखोगे किसी मंदिर वाले दी भले दी अरदास नहीं खुंदी, मंदिर च खलो के किसी मसीत नूं मनण वाले दी अरदास ते कदे अल्लाह शब्द नहीं सुनोगे, मसीत च कदे राम ते कृष्ण दा नाम नहीं सुनोगे, चर्च विच जाके किसी दूसरे पैगंबर दा गल नहीं सुनोगे। ये पहली वार गुरु नानक साहब जी दा घर गुरु ग्रंथ साहब जदों तैयार किए गए, सतसंगियो इत्थे सीधा हुक्म सुनाया गया है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। ये पहली बारी है जदों सतगुरु जी ने बचन किया, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कह लगे कोई राम बोलता है, कोई खुदा बोल रहा है। सतसंगियो कोई गुसैया कोई अल्लाह कहता, सारियां नूं इक्को जिहा प्यार मिल रहा। अज तक तो सदा लई इक्को एक गुरु ग्रंथ साहब की खजूर जिथे असीं अरदास करके सरबत का भला मंगते हैं, होर अज तक नहीं को मंगता। ये गल्लां ने संसार नूं मोह लिया सी। एकदम दौड़ के सतगुरु जी के घर वाल संसार आ रहा सी। लोकां नूं मजहब देश जात भुल चुके सन भी की हो रहा है। मैं बेनती तो कर लगा सी शहादत दे, पर इस नूं थोड़ा समझ के चलिए। गुरु के प्यारिओ, गुरु अर्जन पिता महाराज जी दे वरंट जारी हुंदे ने। तत्ती तवी ते पहुँचे ने, क्यों पहुँचे ने? जरा दो तीन चीज़ां ते झात मारीए। मुसलमानां वल्लों जलंधर का गवर्नर सैयद अजीम खान दर्शन करदा है, इन्ना मोया गया, सिक्खी धारण कीती, प्यार पिया इन्ना दाता। हुण मेरे तो जलंधर तो चल के अमृतसर दूर जापदा है, एक सिक्खी का केंद्र जलंधर भी खोलो, इत्थे भी भला होवे। उहदी बेनती ते करतारपुर वसाया है। हुण एक गवर्नर जदों आउंदा है ते किन्नी प्रजा ने सुते सेधी सिक्खी वाल आउणा। दूसरे पासे पंडित लोग सन उस वक्त हिंदू धर्म श्रेणी के मुखी लोग पंडित गंगा राम बठिंडे के इलाके का रहन वाला बहुत वड्डा मन्या प्रमन्या सी ब्राह्मण। ये कोल कारोबार भी तकड़ा, बाजरा वेचन आया। गुरु अर्जन साहब जी के कोल आ गया अमृतसर। 100 मण बाजरा सी। आके आख्या बाजरा लवो जी, सानू लोड़ है लंगरां लई, लियाओ। पैसे कुछ दिनों बाद दिते जाणगे। 7 बचन बाजरा आ गया। रोज संगत करता आई, पैसा भुल गया। गुरु अर्जन साहब जी वाल खिंचा गया। संगत नाल प्यार, एको जगह बैठते, किन्नी उच्ची गल करते, रब दी मोया गया। जदों सतगुरु जी कहन लगे, पंडित गंगा राम जी आओ हिसाब किताब करो। हाथ जोड़े, रोया गरीब नवाज। दुनिया भी हिसाब किताब करे, जे समरथ गुरु भी हिसाब किताब करन लग पिया ते असी कदे बख्शे नहीं जावांगे। प्रोफैसर साहब सिंह ने लिखिया सी, धन गुरु नानक साहब महाराज तुसी 13-13 तोल दे गए, चंगा कीता जे हिसाब किताब नहीं करदे। दुनिया नूं हिसाब किताब करन आउंदे ने, जे तुसी भी साडा हिसाब किताब करो साडे चो एक भी नहीं बख्शिया जाएगा। जुबान तो पाठ हुंदा है, अंदर ख्याल खोर हुंदे ने। 1 घंटा पाठ ते 23 घंटे का हिसाब कौन देगा? ये तेरा बिरदे तुसी हिसाब नहीं करते। ये ते तुहाडा वड्डा पाने वड्याई है। पंडित गंगा राम जी कहिंदे गरीब अनवार हिसाब ना करो, कृपा करो, मेरा जन्म मरण का हिसाब मुका दिओ। सतगुरु कहिंदे पैसे ले, दाता सिक्खी चाहिदी है। गरीब नवाज कहिंदे दुनिया की दौलत लो, साहिबा परलोक की चाहिदी है। सतगुरु खुश हो के कह लगे, जा गंगा रामा तेनू दुनिया की दौलत भी दिती ते परलोक भी दिती, जा सिक्खी का प्रचार कर। जदों पंडितां विचों गंगा राम आया, सिक्खी का प्रचार हो रहा है। भाई बहलो सरवरिया का मुखी है, वो सिर ते शहर का मैला चुक के गुरु के प्यारे गुरु साहब जी दे दरबार साहब दे सरोवर की सेवा करता। भाई मंझ सारा कुछ लुटा के आ रहा है तो सिक्खी तो फैलनी फैलनी सी चार चपेरे। ये भाई नहीं, इन्हां लोकां नूं धन गुरु अर्जन साहब पिता जी ने लै गए। जदों लाहौर जांदे ने 5 सिख नाल ने। सवाल किया जाता है, गुरु अर्जन पिता महाराज करामात दिखाओ। नहीं दिखानी। इस्लाम कबूल करो। नहीं खोना। मौत कबूल करो। परवान खै आए हाँ, त्यार हो के आए हाँ। गुरु हरगोबिंद पिता जी ने वो रहमत दे के आया, रब्बी जोत दी चले हाँ। सतगुरु जी ने कृपा की प्यारे। जदों जाते ने 5 सिखा सामने कैद किया। चंदू पापी भी विरोध कर रहा है, उन्हें अपने बदले लैने। शेख फरीद बुखारी अपने लै रहे। जहांगीर का हुक्म है, बड़े चिर तो चाहना झूठ की दुकान बंद करा, वो अपने वालों हुक्म दे गए। हर किसी ने दिल की पड़ास कट्टी है। इन्हों ने 3 चीज़ां रखिया सी गुरु अर्जन पिता के सामने, तत्ती तवी, तत्ता रेता ते तत्ता पानी। दिल्ली दे चांदनी चौक विच भी तिन्ने ही साझे। सतसंगियो तत्ता पानी है, तिखा आरा है ते बलदी अग ते रोंदी। हाँ, जरा तुलना करके वेख्या जे। पंचम पिता महाराज जी नूं कहन लगे, चढ़ो फिर तत्ती तवी ते। सतगुरु जी तवी ते बैठन लगे। भाई जेठा, भाई पिराणा, भाई पिरागा, भाई विधिया ते भाई लंगाखा हाथ जोड़ के बेनती की, गरीब नवाज ये कि उन्होंने कहा तो तुसी तवी ते बैठन लगते हो, तवी सड़ रही है, सारा शरीर जल पड़ जाएगा। सतगुरु जीओ कृपा करो, इनू ठार दिओ। साहब कहन लगे, भाणे विच रहना है, तवियां नहीं ठारतियां, करोड़ां लोकां दे तपदे खोए दिल ठारते ने, तुसी धीरज रखो। सतगुरु जीओ कृपा करो, जे इन्हां नूं नहीं ठारना सानू हुक्म दिओ, असी तवियां ते बैठ के रेता पवावांगे। गरीब नवाज पिताजी कह लगे नहीं बेटा तुसी ये काम नहीं करना। दाता फिर सानू दसो जिस गुरु अर्जन पिता नू सोहणे खरमंदरां विच तक्या होए जिहदे ते लखां दे चंदोए झुलदे होण जिहदे चरणां विच लखां रुपए दे गलीचे विछदे होण दाता उहदे उपर रेता पैंदा सी किवें वेखांगे किथों लिआई इह दिल किछे ले जाइए अखां सानू आ कुछ दिखाण लई नाल लिआंदा साजे दाता साडा सोचो मेहर करो। उदों गुरु अर्जन साहब जी ने बचन कीता सी प्यारिओ शाबाश तुहाडे प्यार ते सदके तुहाडे इस भावना दे पर याद रखो असीं तुहानूं कुछ सिखाण आए हां। सिख दा ते गुरु दा रिश्ता मां ते पुत दा रिश्ता है। याद जे माँ ने कुछ खाना खोवे बच्चे नूं खवाना खोवे पहला अपने मूँह च पा के उस स्वाद नूं चखदी है गर्म ते नहीं कौड़ा ते नहीं ज़्यादा मिठा ते नहीं। बच्चे नूं देण तो पहला छोटे नूं माँ उस नूं अपने ते तजर्बा करदी उन तुरन दी जाच दस्सण लई नीवी हो के तुरदी है। जुबान तो बोलण दी जाच दस्सण लई तोतली जुबान च माँ बोलदी है। कह लगे तुसी सिख बच्चे हो किवें नाम जपना है चार जामिया तुहानूं सिखा दिता तुहानूं जपना आ गया। संगत विच रल के किवें बहना तुहानूं जाच दसी तुसी बह गए। पंगत किवें बहना कट्ठियां तुहानूं जाच दसी तुसी सिख लई। सेवा किवें करनी तुसी सिख लई। पर अज चाहुंदे आ सच दी खातर अपने आप नूं कुर्बानी किवें देनी है। वड्डी तो वड्डी कुर्बानी देने लई भाणे च किवें रहना अज गुरु अर्जन पिता जी खुद भाणा मन्नण दी जाच दसणगे। कल नूं तुहाडे ते समा आएगा फिर तुसीं ये सबक सुणाओगे। सिख कहण लगे गरीब नवाज साडे ते मौका आएगा जी आएगा। महाराज जी ने बचन कीता सी तां ही प्यारिओ चांदनी चौंक दे अंदर गुरु तेग बहादुर पिता जी नूं बाद में शहीद करते ने। उन्होंने सामने पहला भाई मती दास सतीदास भाई दयाला जी नूं शहीद करते ने। देख जदों आई ना भाई दयाला जी के सामने तो भाई दयाला ने यही अरदास कीती सी धन गुरु अर्जन पिता महाराज समरथ गुरु के सामने देख आई सी अज तेरे सिख के सामने आई है। दातिया तू भाणे दा सबक सुनाया सी अज मैं सुना लगा वां मेहर करी मेरे अंदर बैठ के अडोलता देवी जिमें तेरी जुबान तो निकले बचन तेरा की आ मीठा लागे कर नाम पदार्थ नानक मांगे। इसी तरह अज मैं भी अपनी जुबान तो कह सका। साध संगत इन्हां पंज सिखां नूं हुक्म से तुसीं केवल देखना है समा आएगा। कुर्बानियां दी अज नींह रखन लगे हाँ क्योंकि कुर्बानी तो बगैर कदे भी मनुख आज़ाद नहीं हो सकता। आज़ादी भावें तनां दी खोवे ते चाहे मनां दी खोवे। साध संगत इन्हां पंजां दे सामने धन गुरु अर्जन पिता महाराज सच्चे पातशाह जी नूं तवी ते बिठाते ने। रेता कदे पाते ने कदे पानी विच थोड़ा बिठा के कढदे ने। दुश्मन बात करे अनखोणी साईं मियां मीर नूं खबर हुंदी है आह के वेख के रोंदा है जी धन गुरु अर्जन पिता महाराज ये की खोर है कौतक इजाजत मिले दिल्ली ते लाहौर दे इट नाल इट खड़क जाएगी। एक जुबान तो बचन करांगा गरीब नवाज कुछ भी कर सकदा खां। सतगुरु जी ने आख्या साईं जी भाणे विच रहण आखा है। साईं मियां मीर गुरु के प्यारिओ एक रब तक पहुँचा फकीर जिदे तो कदे खरमंदर साहब की नीर खाई सी। सतगुरु जी ने कहा साईं जी याद करो नीर रखण वेले वादा कीता सी जदों तुसीं नीर रखे असीं मुस्करांदे सी। अज कुर्बान खोण लई शहीदां दे सिक्खी दे महल दे नीहां विच असीं अपना आप रखन लगे हाँ। इस दे उत्ते बड़ा वड्डा महल उसरना है रोना ने उहदे भाणे भी तुसीं रहण आए। साईं जी नूं भी गुरु के प्यारिओ भाणे विच रहण दा उपदेश दिता है। सतगुरु जी चाण की नहीं कर सकते, पर जो जे महाराज वो सारा कुछ टाल देंदे अज तुसी इनियां कुर्बानियां ना करते। ये गुरु अर्जन पिता महाराज जी की कृपा है। जदों उन्होंने तसीहे दे दे तीन तरीकों नाल शरीर बिल्कुल मास वखरा खूर है उस हालत विच लैके रावी प्यारिओ उहदे विच जाके गरीब नवाज पिता दा पावन पवित्र स्वरूप उछे भेंट कर दिता है। गुरु अर्जन पिता महाराज जी ने जिथे डेरा साहब एक घटना वापरी बाद पंच ने जगह बनाई उसे दो पंक्तियां लिखिया ने, सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्ब कला बन आई, प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक के वड्याई। क्यों लिखिया? ए जालम लोको, जिस गुरु अर्जन पिता जी नूं शहीद करके तुसी मुकाना चाहते हो, उस वो सच दे रस्ते नूं खत्म करना चाहते सी, गुरु साहब की शहादत नाल वो वड्याई सारे जगत विच सगों उल्टी प्रगट होई। कदे ना जोड़ के वेख्या करो इतिहास। बटाले बचन कैसी बटाले सतगुरां ने जदों महाराज जी नूं पलंगे बहाया शादी ते गया, माई ने क्या गरीब नवाज इन्हां दी नीयत बदल गई जे। ये सच नूं सच दे सूरज नूं अज कंध थले दे के खत्म करना चाहुंदे ने। सतगुरु जी ने उदों बचन कहा सी, माई घबरा ना, डोल ना, ये जिस कंध नूं डेगना चाहते कंध दे थले सच दे सूरज धन गुरु नानक पिता नूं खत्म करना चाहते ने। चेता रखें जुग बीत जाणगे, ना कंध डिगेगी ते ना कंध दे थले पैण वाले गुरु नानक साहब भी कदे खत्म होणगे। उदों कंध दे कोल बैठे ने, पर जदों सरहंद दी दीवार दे विच छोटे साहबजादियां नूं खड़ा कीता उदों बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह ने कहा सी वजीर खां नूं सूबे सरहंद लो, कहण लगे तू सानू मौत दे डरावे दे रिहा है, किहड़े तसीहे देवेंगा? तत्ती तवी ते बहना, पानी च उबलना, रूह च लपेट के शहीद खोना, आरे नाल चीरे जाना, आपा कुर्बान करना सानू आउंदा है, मैदान ए जंग विच किवें शहीद होना सानू सबक दित्ते ने। कहंदा कंध विच नांगा, कहण लगे साडा कंधा नाल भी वाह पिया है। फर्क इन्ना है उदों कंध दे कोल बैठे सन गुरु नानक साहब, अज इस नूं आखरी शोआं देणियां ने, अज उहदे ये बच्चे कंध दे विच खलोणगे, पर कदे भी जुबान तो डोलण दी कोई गल नहीं छड़ेगी। उदों दीवार दे अंदर चले जाते ने। सतसंगियो, वड्डे लोकां दीयां वड्डियां बातां हुंदियां ने, रुखानियत दे उच्चे मंडलां दीयां। गुरु अर्जन पिता दी शहादत खोई, जहांगीर सोचदा है हुण एक भी सिख जिहड़ा है सिक्खी धारण की करनी पहले भी छड्ड जाणगे। हैरान उदों होया जदों गुरु अर्जन पिता दी शहादत तो बाद सिख डरन दी बजाए कल्ले कल्ले सिख ने शस्त्र पहन लए। कला कला सिख कहना मैं दिल्ली दे तख्त नूं नहीं श्री अकाल दे तख्त नूं प्रवान करता वां। जिहड़ा कहंदा मैनूं पैसे नहीं, 6 महीनों बाद गुरु हरगोबिंद पिता जी एक चोला दे दिया करो, बस ते उहदे बदले जवानी खा जा रहे। 4 जंगां लड़ियां ते चारां च गुरु क्या सिखां दी जित हुंदी है। वो मिटाना चाहते, इस उल्टा सिक्खी खोर वध गई है। एक बार करो रसना पवित्र मिल के आखो जी सारे, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जी वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो, तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो, तेरा तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो, तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो, तेरा हों अंजा कुर्बान साईं आपने, हों अंजा कुर्बान साईं आपने, कौन हों अंजा कुर्बान साईं आपने, हों अंजा कुर्बान साईं आपने, कौन ਗਰੀਬ ਬਨਵਾਜ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ केवल उस पॉइंट ते जाके चेता ही करना खुंदा है। धन गुरु अर्जन पिता महाराज शहीद खो जाते ने, सिक्खी पहला नालों भी वध फैलती है, 4 कुंटां च नहीं। हुण वेखदे हो ना, उदों तां केवल ओछे मिटाणा चाहते, अज दुनिया के कोने कोने दे अंदर हर मुल्क दा आदमी की इच्छा बन गई है। जे किधरे हिंदुस्तान आइए तो एक बार हरमंदर साहब जरूर जाना है। पिछे जी तो इंग्लैंड की राणी केवल तो केवल इंडिया जो गई, सीधी अमृतसरी गई, हरमंदर साहब मत्था टेकिया तो सीधी वापस आके लंडन। उहदे अंदर दी आवाज़ सी जे को रब दा घर है तो केवल ओछे है। साध संगत जदों हरमंदर साहब जी की महिमा जिन्नी उदों से दिनों दिन घटती नहीं पई, वादी की वादी तुरी जा रही है। पर गुरु अर्जन पिता महाराज जिन्हों ने साध संगत कुर्बानी दिती, उस वक्त पंडित गंगा राम रही, कितने लोग भाई मांझ रही, हजारां लोग गवर्नर दे राही, भाई बहलो जी दे राही। जदों सतगुरु सचे पातशाह जी जिधर भी जे मंडी वाल तोरिया, हिमाचल वाल एक मंडी के राजे नूं खिंचिया ते मगर प्रजा के हजारां लोग सतगुरु की सिक्खी विच प्रवेश करते हैं। अगले हफ्ते मैं बेनती करांगा एतवार नूं, अज चाहुंदा सां फिर आया सतगुरां की शहादत ते अज उहदा उधर ध्यान मारीए। जिहड़ी सब मेरे सतगुरां ने किरपा कीती है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की रहमत कीती। गुरु ग्रंथ साहब पिता जी कौन ने, की परोपकार किते, इन्हां राहीं किवें किवें सिख लाभ लैंदे आए ते लै रहे ने, उहदे खुल के दर्शन करांगे। कारण मेरे सतगुरु जी ने संपादना करके दरबार लगाया सी, दरबार भाई गुरदास साहब नूं मुखी बनाया सी, कि पहली वारी सी ना महाराज दा प्रकाश करना। तां उदों भाई गुरदास नूं कहा सी जिन्ने भी सवाल ने बड़े बड़े वड्डे शहर वक्रे शहरां चों विद्वान सदे सी बाकी धर्मां दे, उन्हां दा इक्को सवाल सी अज तक कुरान शरीफ ने दर्जा पैगंबर दा नहीं लिया, रमैन दा दर्जा अवतार दा नहीं, बाइबल दा नहीं। तुसीं बाणी रची ठीक है, पर तुसीं कहंदे हो बाणी विच रब वरतदा है, बाणी विच सतगुरु बैठे ने, ते तां ही हरमंदर साहब कोई पूछे क्यों बनाया, इक्को जवाब गुरु ग्रंथ साहब के सत्कार लई। उन्हां दा सवाल सी इन्हां नूं गुरु शब्द क्यों ला रहे हो, इन्हां विच गुरु वाली जोत किवें हो सकदी है। उहदे ते अगले ऐतवार इस वक्त ही तुहाडे दर्शन करांगे। महाराज जी कृपा करन, आप सोझी पाण गुरबाणी विच किवें ओहदी कला वरतदी है। प्यारिओ, भाई वीर सिंह बंबे बैठे सी, छाती च दर्द खोई तो कह लगे कुछ खादा पीता तो है नहीं, ये क्यों खो गई? दर्द शुरू, झात मारी, कह लगे नाल दे कमरे च वेखो भाई की है। पता लगा किताबां सन, पोथियां सन पईयां, किसी ने दुनियावी किताब पोथी दे उपर रखी है। उहदा दर्द उन्हां दे आके सीने च हो रहा है। जदों लिव दे रस्ते ते तुरांगे ना, फिर बाणी केवल पाठ नहीं जिउंदी जागदी हस्ती तुहाडे नाल अंदरों महसूस होएगी। संत बाबा जवाला सिंह जी खुरा ने, हरखोवाल वालियां ने बैठे सी, इस तरह प्रसाद आया, अरदास होई। जदों भोग लगा तो बाबा जवाला सिंह जी खुरां दी जीव एकदम छालां नाल भर गई। कहंदे की होया? कह लगे किसी ने तत्ती तत्ती देख सतगुरु जी ने भेंट की है। वो जिहड़ी गर्मी से वो साडे अंदर भी महसूस होई, वो छाले होए ने। ये घटना अंदरों किवें इतनी नेड़ता हुंदी, सतगुरु किवें सिखां दे अंदर आ के प्रवेश करके दसदे ने असीं कौन आ। अगले हफ्ते बेनती करांगा, अज इन्ने बचन प्रवान करने, पूरे 8-9 दिन जो तुसां ने असीसां दित्तियां शुक्रगुजार हां। समाप्ति तो पहला एक बार सारे फिर धुन वाहिगुरू शब्द लाइए तो फिर आप जी तो खिमा मंगांगा जे। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू।